जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शान सुखन। ये हमारा बैतबाजी का तीसरा क्वार्टर फाइनल है आज, चूँकि अगेन अब रमज़ान मुबारक की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, तो इसलिए मुकाबले भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अगले मराहल में दाखिल हो रहे हैं। तीसरा क्वार्टर फाइनल है, यानी कि दोनों टीम्स हुए जो अपने राउंड जीत चुकी हैं। टीम ए में है ताहा उवैस और मोहम्मद फैजान, टीम बे में है अब्दुल्ला हैदर और मोहम्मद अहमद, टीम ए है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से, बी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। आज दोनों लाहौर के हमारे साथी हैं। इकरार भाई हमारे साथ हैं, अमरीन नसीब अंबर साहब हमारे साथ हैं। वक्त ज़रा कम है इसलिए बस मैं बगैर किसी तमीज़ के इकरार भाई आप शेर सुनाएगा और डॉक्टर साहिबा के शेर से हम आगाज़ करेंगे मुकाबले का। जनाब इकरार भाई आप पहले। जी बस दो शेर। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते। राइट। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। उस शाख की मानिंद कई अहले हवस भी, उस शाख की मानिंद कई अहले हवस भी, पागल तो नजर आते हैं पागल नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या कहना जी। जनाब जी लॉर्ड साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी गुफ्तगू तो हमारा ख्याल है कि अब ख़त्म हो चुकी, जो इनको समझाना था समझ चुके, क्योंकि जाहिर है ये सब मुंतखब लोग हैं तो इनको खुद सब मालूम है, बस सिर्फ इशारे देने की देर थी। हाँ। तो वो सबको सब समझ आ गया और हमारा ख्याल है कल से तो शदीद बैतबाजी का मुकाबला शुरू हो चुका है। सही है। तो बस दो शेर ताकि इन लोगों को वक्त ज़्यादा मिल सके। सही। डॉक्टर फातिमा हसन के अशआर हैं कि आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। क्या क्या? पूरी ना अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बढ़तर। अच्छा। पूरी ना अधूरी हूँ न बढ़तर, न कमतर हूँ न बढ़तर, इंसान हूँ इंसान के मयार में देखें। क्या देखें अगले आपके टीम ए नून। नाकामे इश्क हूँ सो मेरा देखना भी देख, कम देखता हूँ और गजब देखता हूँ मैं। आंखें तुम्हारे हाथ पे रख कर मैं चल दिया, अब तुम पे मुनहसर है कि कब देखता हूँ मैं। नून टीम भी। नेकोबद खूब समझता हूँ करूँ क्या के अभी, सुनने देता नहीं आशोब जवानी वाइस। अच्छा भाई वाइस। हाँ। साबित हुआ यूं नात का होना मेरे हक। वाइज जोए, वाइज था ना से, वाइज था क्या था? जोए, वाइज जोए जी, हमें भी लगा के वाइज है। जोए जोए जफर सईद वो आंखें वो दिल नशी आंखें, नजर ना आए तो कुछ भी नजर नहीं आता, नहीं आता। आज रिंदान ने कदा हनोश को अच्छी सूझी, मैं कशी के लिए ताका है मकाने वाइस। मकाने वाइस जोए अगेन। जायब बनोगे किसके अभी फैसला करो, क्या शुरू किया आपने? जायब बनोगे किसके अभी फैसला करो। दोबारा दो लफ्ज क्या है? जायब वो तखल्लुस है। जाहिद जाहिद नहीं नहीं जायब जायब या ये जाहिद कह रहा है जोए से जायब। जायब बनोगे किसके अभी फैसला करो, दोनों तरफ से शुरू हुई है अजां से जंग। जंग जी क्या लफ्ज बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। अहमद जायब हमारे सीनियर है, वो कह रहे हैं अहमद जायब उनके सीनियर है, ये जो जायब के उसमें कह रहे हैं जी। जायब का तो लफ्ज भी मौजूद नहीं है। खैर चलिए, जंग घर बसाने में ये खतरा है कि घर का मालिक रात में देर से घर आने का सबब पूछेगा। अलिफ टीम ए। अंदर आने दे हमें दास्तां दरवाजा खोल, सात दरवाजों पे अपना आठवां दरवाजा खोल खोल। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। नून टीम ए। ना जे जो मैं जाहिद कहता हूँ। नून एक। नजर फरेब थी मंजर से कुछ नहीं निकला, जिसे कुरेदा वो अंदर से कुछ नहीं निकला, किसी के पाँव की ठोकर से चश्मा निकला था,
हमारे माथे की टक्कर से कुछ नहीं निकला। इस तरह पिंदो नसीहत की उठाई तमहीद, आज साकी पे हुआ मुझको गुमाने वाइज। गुमाने वाइज जन्ना जोए एक, जोए दो, वोए तीन। जफर दिल से तो निकल जाएंगे लेकिन बहुत याद आएगा ये घर पुराना। जफर दिल से, दोबारा दोहराइए मिस्रा। जफर दिल से तो निकल जाएंगे लेकिन बहुत याद आएगा ये घर पुराना। पहला मिस्रा शदीद बेवजन है। चलिए जी ठीक है, हम डी मार्क कर रहे हैं इसको। अपनी ही वो कहता है पर और की नहीं सुनता, हर एक से उलझता है जाहिल का खुदा हाफिज। हर एक से उलझता है जाहिद का खुदा हाफिज। जोए एक, यूईटी की टीम जोए दो, जोए तीन। पॉइंट हो गया निगाह से, हो गया जी जनाब। जाहिरन एक लम्स था उसका जख्म है दुरू खुदा हाफिज। तुम मुझे सुन के अन सुनी करना, लाख कहता रहूं खुदा हाफिज। लाख कहता रहूं खुदा हाफिज। जनाब जोए एक, यूईटी की टीम, ये लोग तो खुदा हाफिज करने की तैयारी करके आ हाँ। तीन जनाब। जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। हे टीम ए, हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा काम भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये टीम बी, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। अल्लाह निगेबान नशे मन का खुदा हाफिज। ये गजल ही है या गीत था डॉक्टर साहब? खैर एनीहाउ हाफिज जोए टीम ए। कोशिश कीजिए कि अब जरा आप जोए से शेर सुना दीजिए और जरा मुकाबले को आगे बढ़ाएं। जुल्माते शबे हिजर की आफात है और तू, जो दम है गनीमत है कि फिर रात है और तू। और तू वाव से आइए टीम ए। वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, चला गया तो बराबर दिखाई देने लगा। कुछ इतने गौर से देखा चराग जलता हुआ कि मैं चराग के अंदर दिखाई देने लगा। देने लगा अलिफ। एक शख्स खुदा बनने के अरमान में कल शब छुप छुप के दरख्तों से समर बांध रहा था। था अलिफ टीम ए। उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, के नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। ये याद आते ही रहे दिल से निकाले हुए लोग, किसकी मेराज थे किसके हवाले हुए लोग। जनाब घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। नून निकालने से कोई दिल से कब निकलता है, मैं कह सका ना उसे उम्र भर खुदा हाफिज। जनाब एक, जोए दो, तीन। जी टीम बी। जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। दीदाए दिल वाह करे कोई। ये टीमें। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर न लगे। तूने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। ये अजीब फसले गुल है कि किसी भी गुल की रंगत न जची मेरी नजर में, न रची तेरे बदन में। सरे बाम भी पुकारा लबेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। आखिरी एक मिनट सुना दीजिए जनाब। नाम से कोई नहीं जानता जिंदा में मुझे, अपनी जंजीर से पहचान लिया जाता हूँ, दिले दिलगीर से पहचान लिया जाता हूँ, मैं इसी तीर से पहचान लिया जाता हूँ। नून न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। ये
यार तेरे मारे जाने पर बहुत अफसोस है और अपने बच निकलने की खुशी अपनी जगह, वो समझती है कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक है अपनी जगह। होने हैं शिकस्ता अभी आसाब लगी शर्त, धुतकारने वाली हूँ मैं सब हाब लगी शर्त। अच्छा तो वो तस्खीर नहीं होता किसी से, ये बात है तो आज से अहबाब लगी शर्त। तवील थे नहीं जितने तवील होते गए, हमारे चलने से रस्ते तवील होते गए, हमारी मुश्किलें बढ़ती गई और उसके साथ हमारी माओ के सजदे तवील होते गए। याद के साहिल पे गम की सीपियां चुनते रहे, तू गई तो तेरी टूटी चूड़ियां चुनते रहे। यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आँखों की, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश्के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। हे टीम, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। आखिरी दो अशआर सुनो। नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, वो दो दिए जो हवा के सबब दिखाई दिए, मैं जुज़्वी अंधा था दो चार रंग दिखते थे, मगर जब उसने कहा देख सब दिखाई दिए। राइट, आखिरी शेर आज के मुकाबले का। ये बात मान लो कि तुमको अपने पहले पर यकीन नहीं था मुकम्मल, सो दूसरा लाए, तुम्हें खबर ही नहीं तुम हमारे मंजर में छलक शनास निगाहों की इब्तदा लाए। राइट जनाब, अशआर की हद तक हमारा मुकाबला ये आज का ख़त्म हुआ। ज़रा देखते हैं जज साहिबान ने कैसे देखा है इस मुकाबले को। जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, नाजुक है? नहीं, नाजुक तो हर नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। लेकिन ज़ाहिर है देखिए दो पैमाने हैं जांचने के, या तो मैार पर फैसला हो जाए, और ज़ाहिर है ना हम इसकी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, ना ही इसको रोका जा सकता है कि आप किसी को रोकें कि किसी एक लफ्ज़ पे बार बार इख्तिताम करके दूसरी टीम को। अच्छा, और बिलखसूस उस वक्त के जब मैारी अशार हों, असातिज़ा के अशार पढ़े जा रहे हैं, उनके जो दीवान हैं उनमें से वो अशार निकाले गए हों, तो ज़ाहिर मुकाबला आज बड़ा यकतरफ़ा था। टीम ए ने कोशिश भी की, एक आध शेर पर हमें एतराज़ भी था, लेकिन वो वैसे ही अब ज़ाहिर वो किसी फ़ायदे का नहीं रहा वो एतराज़, क्योंकि तकरीबन 4 मरतबा आउट क्लास किया टीम बी ने टीम ए को, तो फैसला वाज़े। लेकिन ज़ाहिर डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद रोशनी डालें। जी हम बस सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप जब दो टीमें आते हैं तो एकदम हौसला ना हारें, वो जैसे समझें बॉक्सिंग हो रही है ना, तो आपको नॉकआउट नहीं होना है। टीम तो अटैक कर रही है, लेकिन एकदम आप लोग जो बिल्कुल ही डाउन हो गए ना, वहीं से मामला गड़बड़ हो गया, फिर आप लोगों ने शेर पढ़ने भी गलत शुरू कर दिए और सब फिर आगे ख़राब होता गया। तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप दोनों बराबर की टीमें हैं तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो हमारे वो लोग जो देख रहे हैं और आगे वो मुकाबलों में आएंगे, वो भी बराबर की तैयारी करके आएँ। अगर आपने भी कुछ अशार ऐसे याद किए होते ना जो इनको मुश्किल में डाल देते, तो आप मुश्किल में आए थे ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही आपको मौका मिलता फिर आप इनको टफ टाइम देते, तो ये थोड़ी सी कमी महसूस हुई, और जाहिर है कि उसका पूरा फ़ायदा टीम बी ने उठा लिया। हाँ, लेकिन ये मैं एक्चुअली गुर आज एक बता देते हैं, मुझे इन्हीं कोर्ट्स में 2004 में हम बज़्म तारिक अज़ीज़ में बैतबाज़ी के मुकाबले में शरीक थे, यही उम्रें थी तकरीबन, और हम हर मुकाबले की अलग से तैयारी किया करते थे, कभी टे पर लफ्ज़ का इख्तिताम और कभी तोए पर और उसके अलावा उससे पहले भी, तो ये ज़रूर था कि हमें हर हर्फ से तकरीबन 5 से 10 अशार आते थे जो हमने तोए पर या टे पर ख़त्म करना होते थे। आपके साथ ऐसा मामला नहीं था, आपने कुछ अशार शुरू में ऐसे पढ़े, तो हम हर लफ्ज़ के साथ यानी 5 से 10 अशार के साथ तैयारी करके जाते थे, और ये से अलिफ से नून से इन से ज़रा हमारी कोशिश होती थी कि 15-15, 20-20, 25-25 अशार हमें याद हो, तो तैयारी जब भरपूर होती है तो वो दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल आपने अच्छे मियारी अशार पढ़े। अच्छा, हम लोग ये करते थे जो एक गुर की बात आप लोगों को पता हो कि सिर्फ शेर याद ना करें, आपस में मुकाबला करें, वो एक तरीके की प्रैक्टिस और रिहर्सल होगी आपकी, और दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ के उस वक्त मुकाबला करें।
ये नहीं कि हम एक ही टीम में, तब आप लोगों की ऐसी तैयारी होगी जो यहाँ नजर आएगी जनाब। राइट जनाब, तो नतीजा ज़ाहिर है बहुत वाज़े है आज की हद तक, यानी कि आज की फातह है टीम बी की, जिन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। LEDs के तारीफ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से आज के रनर अप के लिए, फाइनल के विनर के लिए लैपटॉप के तारीफ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से। आज के NBP शान सुखन से अब तक के लिए इतना ही, हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शान इल्म के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।